फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चटपटे एकदम मज़ेदार इंस्टेंट टेस्टी आलू चने की सब्जी। तो आपको करना क्या, आपको लेने हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेना है। फिर 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर जीरा डालना है। फिर आपको 2 पिंच इसमें हींग डालनी है और इन सबको अच्छे से तड़का लेना है। फिर आपको इसके अंदर डालना है सूखी वाली लाल मिर्च। फिर इसके अंदर आपको डालना है 2 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च, शाही जीरा, 1/2 छोटा चम्मच दालचीनी और अच्छे से ना इनको भी तड़का लेना है। फिर आपको इसके अंदर ना 1 कप अनियन प्यूरी डालनी है। फिर इसके अंदर आपको 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डालना है। फिर आपको इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और इसके साथ ही आपको इसके अंदर डालना है 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और अब आपको इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है अपने स्वाद के अनुसार। अच्छे से ना इन सबको आपको मिक्स कर लेना है। 5 से 10 मिनट तक आपको ना इसे चलाते हुए मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से ना मिक्स हो जाए। और इसे आपको है ना एकदम मीडियम फ्लेम पे ही पकाना, नहीं तो है ना ये मसाला जल जाएगा अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसको देखिए मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक मैंने ना अच्छे से पका लिया है। फिर इसके अंदर 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं और है ना इसे अच्छे से मिला लिया है। और ये देखिए इसका ना ऑयल है ना निकलने लग गया है। अब इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाला है मैंने और इसे भी ना अच्छे से मिक्स करना है आपको। और फिर अब मसाले को ना और अच्छे से पकाने के लिए आपको है ना इसके अंदर 1/2 कप या 1 कप आप इसके अंदर पानी डाल दो और है ना इसे अच्छे से मिक्स कर लो। और 5 से 10 मिनट तक है ना आपको इसे और पकाना। जितना आप इसको पकाओगे ना तो आपकी सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। और इसको मेरे को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट मैंने इसको पका लिया है। फिर इसके अंदर है ना मैंने 2 कप बॉयल चने डाल दिए हैं। मैंने कुकर में 1 से 2 सीटी लगा ली थी और इसे अब है ना अच्छे से चने डाल के इसके अंदर मिक्स करना है आपको इसे भी। और मैंने चने के साथ है ना ये 3 से 4 आलू भी है ना उबाल लिए थे जिसको मैंने अब कट कर लिया है। और इसे भी है ना आप अच्छे से मिक्स कर दें आलू को भी। आलू चने को 5 से 10 मिनट तक है ना मीडियम फ्लेम पर ही मिक्स करें। एकदम इंस्टेंट और एकदम चटपटी सब्जी बस थोड़ी ही देर में आपकी रेडी हो जाएगी। अगर आप है ना इसको सूखा खाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे आने पर है ना इसे आप बंद कर दें, गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। और अगर आप है ना इसकी थोड़ी सी तरी वाली खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे 5 से 10 मिनट और पका लें। और रेडी है आपकी मस्त इंस्टेंट चटपटी आलू चने की सब्जी और बहुत टेस्टी बनी। आप है ना इसको एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, एकदम इंस्टेंट है, जल्दी से भी बन के तैयार हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।